आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आर्य आक्रमण सिद्धांत के बन जाने के बाद इसके संबंध में कौन से वो तथ्य थे जो प्रस्तुत किए गए जो कि इसकी पुष्टि करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला जो तथ्य दिया जाता है वह यह है कि ऋग्वेद में यहाँ के मूल निवासियों का विवरण है। ऋग्वेद के रचयिताओं ने अपने शत्रु को अनस कहकर संबोधित किया है। मैक्स मूलर ने माना अनस यानी कि बिना नाक वाला। आर्य चूंकि यूरोप के निवासी थे वहां लोगों की नाक लंबी होती थी, भारत के लोगों की नाक उनसे छोटी व चपटी होती थी, इसलिए भारत के लोगों को देखकर आर्यों ने उन्हें छोटी नाक वाले अथवा बिना नाक वाले लोग कहते हुए अनस लिखा। दूसरा तथ्य यह दिया जाता है कि वेदों में आर्यों के आक्रमण का विवरण मिलता है। वेदों में इंद्र एक प्रमुख देवता है। वेदों में इंद्र को पुरंदर और नरजीत कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है किलों को नष्ट कर देने वाला और नरजीत का मतलब है लोगों को जीतने वाला। इससे स्पष्ट है कि आर्य हमलावर किस्म के लोग थे जो अन्य लोगों के इलाकों को जीत लेते थे, उनके किलों को नष्ट कर देते थे और वहां के लोगों को जीतकर उन्हें दास बना लेते थे, इसलिए वे अपने देवता को भी इसी रूप में देखते थे। क्योंकि वेदों का निर्माण आर्यों ने भारत में आने के बाद किया, यानी जिन आक्रमणों में जीत के लिए वे अपने देवता को पुरंदर व नरजीत कह रहे थे, वे आक्रमण संभवतः उनके द्वारा भारत के मूल निवासियों पर ही किए गए होंगे। पूरे ऋग्वेद में अनस शब्द बस एक बार आया है जहां शत्रु को अनस कहकर संबोधित किया गया। मैक्स मूलर के अनुसार अनस का अर्थ बिना नाक वाला हो सकता है और शायद यहाँ के लोगों की नाक चपटी होती थी, उन्हीं को लंबी नाक वाले विदेशी आर्यों ने अनस कहा होगा। ऋग्वेद में एक बार आए इस शब्द पर शायद और अनुमानों के भूते दो नस्लों की लड़ाई की कहानी गढ़ ली गई। मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आए थे, शायद इसलिए संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अनस उनके लिए इस्तेमाल होता है जो स्पष्ट भाषा नहीं बोल पाते। मैक्स मूलर से 500 साल पहले सायणाचार्य ने भी अनस का यही अर्थ बताया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अनस का यही अर्थ माना, लेकिन कुछ लोगों को बस मैक्स मूलर ही दिख रहे थे। यानी जर्मनी का विद्वान जो कभी भारत आया तक नहीं, वह भारतीयों को ही उनकी मातृभाषा सिखा रहा था। ऐसी ही घटिया कोशिशों की एक और वानगी देखिए। वेदों में इंद्र को नरजीत और पुरंदर कहकर संबोधित किया गया है। नरजीत का अर्थ है नरों को जीतने वाला और पुरंदर का अर्थ है किलों को नष्ट कर देने वाला। इनके आधार पर कहा गया कि आर्य आक्रांताओं ने भारत के मूल निवासियों के किले नष्ट कर दिए होंगे और यहाँ के लोगों को जीतकर उन्हें गुलाम बना लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपने देवता को पुरंदर और नरजीत कहकर संबोधित किया। यानी यह विद्वान इतने कलाकार हैं कि मात्र दो संबोधनों में यह अपनी दिव्य दृष्टि से दो भिन्न नस्लों को, उनकी लड़ाई को और गुलाम तक बना लेने की घटिया घटनाओं को देख लेते हैं। इंद्र के इन दो नामों से यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि वे युद्ध लड़ने वाले लोग रहे होंगे। हमें पता है कि वैदिक समय के राज्य आपस में युद्ध किया करते थे। प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध भी इन्हीं के मध्य हुआ था। लेकिन इनसे यह अनुमान कैसे लगा कि वे लोग विदेश से भारत आकर यहाँ के लोगों से युद्ध कर रहे थे? यह अनुमान कैसे लगा कि वह लोगों को गुलाम बना रहे थे? नरजीत का अर्थ नरों को जीतने वाला तो हो सकता है, नरों को बंदी बनाने वाला कैसे हो गया? कॉन्कर और कैप्चर करने में काफी फर्क होता है। आज जो लोग अपने गुरु को स्वामी जी कहते हैं, जो अपने ईश्वर को मालिक या लॉर्ड कहकर संबोधित करते हैं, क्या वे औरों को गुलाम बना लेते हैं? नहीं ना। तो इसी प्रकार अगर वेदों के रचयिताओं ने अपने देवता को नरजीत कह दिया, तो उन पर यह लांछन क्यों लगाया गया कि वे औरों को बंदी बनाने वाले क्रूर लोग थे? इन अद्भुत विद्वानों की कलाकारी आज के उदाहरण से समझिए। हम सब जानते हैं कि जैन एक अहिंसक और शांति प्रिय मत है, और भगवान महावीर जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनका पहचान चिन्ह सिंह है। अब बस इन्हीं बातों के आधार पर यह विशिष्ट विद्वान लोग जैनों को भी अतीत की बर्बर और अत्याचारी नस्ल साबित कर सकते हैं। कैसे? यह अनुमान लगा देंगे कि जैनों के 24 तीर्थंकर शायद उनके 24 आक्रमणों के नेतृत्वकर्ता थे। 23 आक्रमण अधिक सफल नहीं हुए, किंतु 24वां पूर्णतः सफल हुआ और लगभग संपूर्ण भारत पर उनका कब्जा हो गया। सफलता का सारा श्रेय उस आक्रमण के नेतृत्वकर्ता को दिया गया। उसने युद्ध में महान वीरता का प्रदर्शन किया, इसलिए उसे महावीर कहा गया। युद्ध भूमि में वह सिंह के समान पराक्रमी व हिंसक था, इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह सिंह बनाया गया। वे बर्बर और जंगली लोग थे, इसलिए वे कपड़े भी नहीं पहना करते थे।
जैसे यह अनुमान आपको बेहुदा और बेतुका लगा, वैसे ही बेहुदे अनुमान आर्य आक्रमण सिद्धांत में लगाए जा रहे थे। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।